हजरात, सबसे पहले मैं इस बाबरकत जश्न की जो विलादत बासादत हज़रत अली इब्न अबी तालिब मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआया कलमात से पहले एक दो मिनट आपका ले रहा हूँ कि इस कायनात हस्तबूद में मुबारकबादी के बहुत से जिहात हैं और पहलू हैं। शादी ब्याह के मौके पर मुबारकबादी और दीगर खुशियों में मुबारकबादी के सिलसिले हैं, मगर किसी भी मुबारकबादी के ताल्लुक़ से हम हतमन ये नहीं कह सकते कि ये मुबारकबादी इबादत है। तन्हा इमाम की विलादत बासआदत पर मुबारकबादी एक ऐसा मौका है जो शरफ भी है, सआदत भी है, इबादत भी। कहकशां का ताल्लुक तो आसमान से है, मगर उस्ताद शोरा जाहिद जाफरी साहब की सदारत में बेहमदिल्ला जाफराबाद की ज़मीन पर भी मद्दाहाने अहले बैत की कहकशां बिखरी हुई है। कहीं कलीम साहब हैं, नजब साहब हैं, इधर हमारे मीर साहब हैं और सभी लोग हैं। तो ज़ाहिर है कि मैं महफिल में ताखिरी से हाज़िरी की सआदत हासिल करता हूँ और बस ये कि आपके लबों पर माने खेज़ मुस्कुराहट है और शायद यही वक्त था शबे तेरा रजब में कि पत्थर की दीवार मुस्कुराई थी। तो अब तेरा रजब को के हवाले से अगर कोई विलादत मौला से मुतासिर होकर मुस्कुराहट का भी हौसला न रखे तो वो इंसान है कि पत्थर है या पत्थर से पत्थर है, ये सोचने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तेरा रजब को कोई खुश न हो तो मैं ये समझता हूँ कि पूरे साल उसे खुश रहने का कोई हक भी नहीं है। तो जाहिर है कि मैं दुआया कलमात के लिए हाजिर हुआ हूँ, लेकिन अब ख़तीब हूँ तो एक खिताबत का वलवला भी पैदा हो गया और फिर मुझे ये नहीं मालूम कि समात के महाज पर कोई नबर्द आज़मा तो नहीं, इसलिए कि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। तो आइए दुआया कलमात से इस जश्न के मुलतवी होने का ऐलान किया जाए, इसलिए कि 13 रजब को मौलूद काबा की विलादत बासआदत के तुफैल और तसद्दुक और तवस्सुल से अगर दुआ कबूल न हुई तो पूरे साल भी कोई ज़मानत नहीं है कि हमारी दुआ कबूल हो। इसलिए ये बाबरकत शब रोज़ ये दुआ की कबूलियत के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं। तो आइए आप दिल की गहराइयों से, रूह की सच्चाइयों से आमीन कहें। यहाँ फरिश्ते भी मौजूद हैं और अल्लाह रसूल अहले बैत देख रहे हैं इस वक्त हमको। अगर किसी का अकीदा है कि देख रहे होंगे तो वो बहुत सारी हदीसों का और आयतों का मुनकिर हो जाएगा ज़हनी तौर पर। ज़ाहिर है कि मैं कोई तकरीर करने नहीं आया हूँ कि मैं उसकी वजाहत करूँ। आयतें और अहदीस इस ताल्लुक़ से वो मेरे ज़िम्मे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ज़ाहिद जाफरी साहब ने काबे की रदीफ़ पर बड़ा अच्छा कलाम पेश किया, लेकिन ये परिंदे शब के बोलने का वक्त और उस वक्त इतना जामे कलाम पेश करना और बिलखसूस उन्होंने अपने इब्तदाई अशार में हदीस रसूल को नज़्म किया, या अली मसलों का मसलुल काबा, और उसकी तशरीहात पेश की और मुख्तलिफ़ शोरा ने जो आपकी समातों में रस घोले और आपके कुलूब को मुनव्वर किया, इसमें ज़ाहिर है कि वो भी शरीक सवाब हैं। मैं दुआ के फ़िक्रे ज़बान पर जारी कर रहा हूँ, आप
आमीन कहें, और जो दुआ के अल्फाज में न जारी कर सकूँ हमारी माएँ और बहनें उसे अपने तौर पर कह लें और आमीन में शामिल हो जाएंगे वो दुआ के फ़िक्रे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिहक़ मोहम्मद व अंतल महमूद व बिहक़ अली व अंतल आला व बिहक़ फातिमा व अंत फातिरुस समावात वल अर्स व बिहक़ हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़ हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान व बिहक़ अइमत तिस्सत ताहिरीन मिन ज़ुर्रियत हुसैन अलैहिमुस सलाम।